नमस्ते दोस्तों, अनीता जैन रेसिपी में आपका स्वागत है। मैं अनीता जैन आज आटे का चीला बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा, 1/4 कप सूजी, 1 टमाटर, 1 प्याज, 1 खीरा ककड़ी, 1 हरी मिर्ची, थोड़ा सा पालक और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। मसाले में लिया है 1/2 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची, 1/2 चम्मच नमक, चुटकी भर हींग और थोड़ा सा गरम मसाला। अब सबसे पहले आटे में सूजी डाल लेंगे और ये सभी मसाले डाल लेंगे। और ये भी सभी चीज डाल लेंगे, वेजिटेबल, जो भी आप वेजिटेबल खाना चाहते हो वो इसमें डाल सकते हो, और जो नहीं खाना चाहते हो वो हटा सकते हो। पालक, हरा धनिया और अब इन्हें मिक्स कर लेंगे और पानी डालते हुए चीले का बैटर तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। हमें इस तरह से बैटर को रखना है। 1 गिलास में इतना सा पानी बचा है, अब इसे 10 मिनट भीगने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो गया है, अब इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इसका चीला तैयार करेंगे। तवा गरम कर लिया है मैंने, इस पर तेल लगाएंगे। तवा अच्छे से गरम करना है और गैस सिम कर लेंगे और इस पर चीले का बैटर डाल देंगे। 1/2 चम्मच डाला है मैंने, अब इसे फैलाएंगे। मैं लोहे के तवे पे बना रही हूँ, आप नॉनस्टिक तवे पे भी बना सकते हो। इसमें वेजिटेबल है तो ये ज्यादा पतला नहीं हो सकता, ये मोटा ही रहेगा। तवे को इस तरह से घुमाते हुए फैला ले। इसे हमें सिमाज पे ही सेकना है, अब इसे हम सिकने देंगे। हम चीले के चारों तरफ तेल लगा देंगे और इसे सिकने देंगे। अब इसे हम पलट देंगे। इधर से भी सिकने देंगे। अब हम चेक कर लेते हैं नीचे से सिक गया क्या। नीचे से सिक गया है, इधर से भी और सेक लेंगे हल्का सा। इसे सिकने में 5 मिनट नीचे लगा, 5 मिनट ऊपर की साइड लगे हैं सिमाज पे। अब हम चेक कर लेते हैं, इधर से भी सिक गया है। ये हमारा चीला बनके तैयार हो गया है। इसी तरह सभी चीले बना लेंगे। ये हमारे पौष्टिकता से भरपूर आटे के चीले बनके तैयार हो गए हैं। अब इसे आप भी ट्राई कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।